सिरसा में अवैध निर्माण को लेकर प्रशासन सख्त हो गया है। घरौंडा में अवैध रूप से बनाई जा रही कॉलोनियों पर प्रशासन ने कार्रवाई की है। यहां विभागीय आदेश के बाद अनोखा कॉलोनी में अवैध निर्माण को ध्वस्त कराया गया। अवैध कॉलोनियों में बनी कच्ची सड़कें और नींव तोड़वा दी, साथ ही डीपीसी और कच्ची गलियों को भी उखाड़ा गया। बता दें कि इस कॉलोनी में 3 एकड़ जमीन पर अवैध रूप से प्लॉट काटे गए हैं। सर्वे के बाद जिला टाउन प्लानर के आदेश पर ये कार्रवाई हुई। इस दौरान मौके पर भारी पुलिस बल भी मौजूद रहा। दरअसल जिला नगर योजनाकर विभाग ने अवैध निर्माण को लेकर शहर के आसपास सर्वे करवाया था, जिसमें पता चला कि रंगड़ी रोड और बेगू रोड के आसपास कई अवैध कॉलोनी बनाई जा रही है और अवैध रूप से निर्माण किया जा रहा है। इतना ही नहीं, यहां लोगों ने प्लॉट भी खरीदना शुरू कर दिया था, जिसके बाद विभाग ने अवैध कॉलोनी बसाने वालों को पहले नोटिस जारी किया था और पुलिस को शिकायत भेजकर उनके खिलाफ FIR करवाया गया। नोटिस जारी होने के बाद भी जब अवैध निर्माण कार्य नहीं रुका था, प्रशासन ने मजबूरन ये कार्रवाई की। टाउन प्लानर विक्रम सिंह ने बताया कि अभी 10 कॉलोनियों में और कार्रवाई की जानी है। पहले प्रशासन इन कॉलोनियों को लेकर नोटिस जारी करेगा और फिर कार्रवाई करेगा। अधिकारियों का कहना है कि 5 एकड़ से कम जगह पर कॉलोनी नहीं काटी जा सकती। 5 एकड़ जगह पर लाइसेंस लेकर सरकारी नियमों को अपनाते हुए ही कॉलोनी काटी जा सकती है। बहरहाल प्रशासन अवैध निर्माण को लेकर एक्शन में है और इनके खिलाफ कार्रवाई भी कर रही है, लेकिन सवाल यह है कि प्रशासन के सख्ती के बाद क्या अवैध निर्माण पर रोक लग पाएगी। बहरहाल प्रशासन अवैध निर्माण को लेकर एक्शन में है और इनके खिलाफ कार्रवाई भी कर रही है, लेकिन सवाल यह है कि प्रशासन के सख्ती के बाद क्या अवैध निर्माण पर रोक लग पाएगी या फिर अवैध निर्माण का खेल जारी रहेगा।